मस्जिद कोई सराय तो नहीं हो सकती ना कि किसी भी ऐरे गहरे को इसमें सुला दिया जाए। ऐरे गहरे वो बिल्कुल टूट जाएगा अगर जिंदगी का ये मैच हार गया। समा समझ तेरी मुसीबत के दिन अब खत्म हो गए। ये तुम क्या कह रही है माही? हाजरा कहां चली गई मुझे छोड़कर? बस तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था कि तुम ठीक तो हो ना? मैं नीचे आओ, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मीम भी नाराज है अम्मी, सारे जमाने की तरह, जमीन वालों की तरह, ऊपर वाले की तरह। तेरे जैसा सोना जवान पूरी महल में कोई नहीं है। कौन है? खोल दरवाजा, खोल, मैं आया हूं। मैं क्या कर रही थी? इतने दिनों के बाद मैं घर लौटा हूँ, तुझे तो मेरे इंतजार में दरवाजे के साथ लग कर बैठे होना चाहिए था। दर्द हो रहा है तुझे? दर्द हो रहा है तुझे? और मैं जो अपने घर के दरवाजे के साथ सर पटक रहा था उसकी कोई फिक्र नहीं है तुझे? तुझे दर्द हो रही है तुझे? जा खाना लेके आ मेरे लिए। खाना कहाँ से लाऊं? खाना नहीं है, खाना घर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्या मतलब? बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चे भूखे, खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे भूखे भूखे मेरे बच्चे, तूने क्यों नहीं देती खाना? खाना खाने के लिए घर में राशन पानी होना चाहिए, और राशन पानी पैसों से आता है, पैसों से, और पैसे मर्द लेकर आते, मर्द। जुबान चलाती मेरे साथ जुबान चलाती है तू? तुझे शर्म नहीं आती? जुबान चलाती है मुझ पे? जुबान चलाती है मुझ पे? जुबान अपनी बच्ची को, इसकी जुबान दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। मैं इसकी जुबान काट के इसी को गिरा दूंगा। मत मार इसे, मत मार, मत मार इसे। बच्चे तूने भी तो इसे कोई मत नहीं,
कोई बात नहीं जी, तूने इसे जा जा ले जा इसको और जाके मत दे इसको, जा ले जा उसे, ले जा उसे। मेरी अम्मी को मत मारो, मत मारो। तेरी अम्मी को मत मारू, चट दे अम्मी, जा इसे। गुड्डू, कितना जालिम है तू। कोई बाप अपनी औलाद को ऐसे ठोकरे मारता है क्या, ऐसे मारता है क्या? इसीलिए तुझे भी ठोकरे पड़ती है जमाने से और पड़ेंगी, और कोई तुझे उठाने वाला भी नहीं होगा जालिम। तू सही कहती थी माँ, आदमी का रूप देखकर नहीं, उसके करतूत देखकर उसे ब्याह करना चाहिए। ये तो इंसान की खाल में भेड़िया निकला, जानवर निकला ये, जिसे शादी करके दो बच्चे पैदा कर लिए मेरे। मेरे अल्लाह, तू सही कहती थी माँ, तू सही कहती थी, ये तुझे जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा, और यही कर रहा है ये। तू सही कहती थी माँ, तू सही कहती थी, तू बिल्कुल सही कहती थी। हाँ सिद्रा, बोलो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज़ैन, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? लेकिन हम क्या करेंगे मिलकर? ज़ैन, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आज शाम। ओके। ओके। या, आई गॉट इट। बाय। मम्मी, मम्मी आप प्लीज मेरे कमरे में आ जाइए। मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारे पापा रात देर तक काम करते हैं ना, इस वजह से जरा डिस्टरबेंस होती है, वरना इधर तो मैं खुद आई हूँ, यहाँ नींद अच्छी आती है ना। मम्मी, मैं जानती हूँ आप पापा के साथ क्यों नहीं रहे। क्यों क्यों रह रही हूँ? बिकॉज पापा डजंट वांट यू इन हिज रूम एनीमोर। एमन, ऐसा नहीं है, जरा मैं कपड़े प्रेस करूं। क्यों क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अपने साथ भी और हमारे साथ भी, क्योंकि सारे घर को पता है कि आप। मम्मी, मम्मी प्लीज आप मेरे कमरे में आ जाए प्लीज। मम्मी, जिनके शोहर उनका सहारा नहीं बनते, उनकी औलाद ही उनकी तन्हाई का सहारा होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आई एम फाइन। प्लीज मुझे अपनी तन्हाई से खुद ही लड़ना है, खुद ही शेयर करना है इसे। इमन, मुझे कमजोर मत करो प्लीज, प्लीज बेटा प्लीज। लेकिन मम्मी प्लीज आप प्लीज। इमन, स्टॉप।
शाइस्ता, 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 क्या है? वो कुछ थोड़े से वो पैसे, 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 पैसे नहीं समझती तू? पैसे, रुपए, जिससे सरदर्द की दवाई खरीदी जाती है, पैसे चाहिए मुझे। घर में खाने को जहर तक नहीं है सिंचाई में, तुम्हें पैसे कहाँ से लाके दूँ? क्या बकवास है? क्या बकवास कर रही है? मुझे पैसे चाहिए, मुझे कहीं से भी लाके दे पैसे, कहीं से भी लाके दे, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे लाके दे पैसे, चल जा, 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 मुझे पैसे लाके दे, चल जा, जा, चली जा यहाँ से, जल्दी आई वापस, शायद जा, जल्दी वापस आई। तो क्या तुम्हारा गला भी खराब है? नहीं, आप हुक्म करें तो अभी अजान दे देता हूं मैं। मगर इस्लामी नुक्ता निगाह जरा कुछ कलामी से हो तो अच्छा है। मौसम अगर इजाजत हो तो अजान मैं दे दूं। तुम? जी हाँ, हमेशा मैंने अजान दी है मस्जिद में, और जब कभी हम अजान नहीं देते थे तो मोहल्ले वाले इसरार करते थे कि अजान क्यों नहीं दी। ये मोहल्ला छोड़कर गली में क्यों नजर आते हैं? भला किसी को मस्जिद की इमामत मिली हो तो छोड़ता है उसे? अजान देने पर तो कोई पाबंदी नहीं, सोने का मामला तो अलग है। अच्छा ठीक है, आज 7 बजे अजान आप ही पढ़ दीजिए। शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तुम क्या कह रही हो सिद्रा? ठीक कह रही हूँ। अब देखो ना जैन, वो तो मैं फोन तो कर सकती थी ना, नंबर तो है ना उसके पास तुम्हारा। हाँ मगर अगर सिद्रा, जैन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया, वरना शायद मैं तुम्हें कभी ना बताती। अब देखो ना, जब मैं तुमसे मिलने यहाँ आ रही थी तो एमन असद के साथ मैच देखने जा रही थी। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, मगर सच तो यही है ना। हाँ मगर क्यों, क्यों कोई इतनी जल्दी बदल सकता है? जल्दी जल्दी नहीं सर, वो दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। जैन तुम गलतफहमी का शिकार हो गए।
मगर यहाँ कहाँ मैं? चाहत भी इंसान को दीवाना बना देती है। मेरे मालिक, ये पैसे उठा ले सूफी साहब। के क्या? ये पैसे उठा ले। मैं जी वो क्या कह रहे हैं आप? ये कम है क्या जी? ओ रख लें, मेरे पास फिलहाल इतने ही हैं। आप गलत समझ रहे हैं जी, हम मांगने वाले नहीं हैं। तो फिर ऐसे ही इधर बैठे हुए हैं? हालात में बिठा दिया है, वरना हम तो एक मस्जिद के इमाम थे। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? कुछ नहीं, ये सूफी साहब को मैं मांगने वाला समझ बैठा था और ये बता रहे हैं कि ये किसी मस्जिद में इमामत किया करते थे। अरे हाँ भाई, कल इन्होंने तो अजान दी थी, कितनी प्यारी आवाज थी। अच्छा, कल शाम की अजान आपने दी थी? जी हाँ, हमने दी थी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा आवाज है इनकी। सारे मोहल्ले वाले आपकी अजान की तारीफ कर रहे थे और कल नमाजी भी कह रहे थे कि शाम की अजान कितनी प्यारी दी आपने। ये सब मेरे मालिक की देन है। गला भी, गले से निकलने वाली आवाज भी, अल्फाज भी और अल्फाज की तासीर भी, ये सब मेरे मालिक की अता है। क्या उम्दा बात कही है सूफी साहब आपने। आप बार बार सूफी साहब ना कहिए, हम तो बस एक मस्जिद के इमाम हैं और बरकतुल्ला नाम है जी हमारा। बरकतुल्ला साहब, मैं आज ही मस्जिद की कमेटी वालों से बात करता हूँ और नमाजियों से भी, और कल इस मस्जिद में अजान आप ही दिया करेंगे अगर आप पसंद करें। जी मैं जी आए। चलिए बोलो, क्या कहना चाह रहे? शचिल, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला? मैं शादी के लिए तैयार हूं। क्या? Really? I don't believe this. But that's great, bhai. That's really great. Thank you very much. Shashin, मैंने तो वही फैसला किया जो मेरे दिल ने मुझे कहा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इतना खुश हूँ जैसे किसी प्यासे को सहरा में पानी ने छू लिया। Thank you very much, bhai. जाए तुम जाना मिले
ये तुम क्या कह रही हो सिद्रा? ठीक कह रही हूँ मैं। अब देखो ना जैन, वो तो मैं फोन तो कर सकती थी ना, नंबर तो है ना उसके पास तुम्हारा। ठीक कह रही हूँ मैं। अब देखो ना जैन, वो तो मैं फोन तो कर सकती थी ना, नंबर तो है ना उसके पास तुम्हारा। क्यों कोई इतनी जल्दी बदल सकता? वो दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। जैन, तुम गलत फहमी का शिकार हो गए। चंदा उदास होगा इन चांदनी के यारा, कैसे सजेंगी शामें, किसको कहूंगा प्यारा, क्या चैन पाओगे दिल मेरा तोड़ के। ब्रेक। गॉड, व्हाट आई एम डूइंग, ये सब कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।